हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे कुरकुरे ब्रेड रोल। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं 3 बॉयल आलू, जिनको अच्छे से मैश कर लिया है। बारीक पिसा धनिया, साबुत धनिया, जीरा, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गर्म मसाला। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें जीरा ऐड करेंगे, तो जीरा अच्छे से चटक जाए। थोड़ा साबुत धनिया, हींग, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 जीरा पाउडर थोड़ा सा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला। अब इसको अच्छे से भूनेंगे और बॉईल किए हुए आलू इसमें मिक्स करेंगे। एक चम्मच नमक। अब आलू को अच्छे से भूनने के बाद इसमें बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट तक आलू को अच्छे से भूनेंगे। आलू हो गए हमारे रेडी। अब हमें एक घोल तैयार करना है। रोल को डिप करने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच चावल का आटा। आप चाहे तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी नमक। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। एक घोल हो गया है हमारा रेडी। ब्रेड रोल फ्राई करने के लिए इसमें ऑयल गर्म होता है, इससे हम अपने रोल तैयार करते हैं। मैंने लिया है थोड़ा सा पानी। इसमें ब्रेड को भिगा करके हाथों से अच्छे से प्रेस करके इसका सारा पानी हम निचोड़ लेंगे और इसमें हम थोड़े से आलू जो हमने फ्राई किए थे इनको ब्रेड में भर करके अच्छे से रोल बनाएंगे निकल के हाथ से। सारे रोल बना करके तैयार कर लेना है। जो हमने घोल तैयार किया था उसमें अपने ब्रेड रोल को डिप करेंगे और इसी तरह से सारे रोल को डिप करके हम एक प्लेट में कर लेंगे। ब्रेड रोल को क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने के लिए 4 ब्रेड को मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। अब इन सब ब्रेड रोल की पिसी हुई जो ब्रेड थी हमारी, इससे हमें इनकी कोटिंग करनी है ताकि हमारे ब्रेड रोल क्रिस्पी और कुरकुरे बने। ऑयल हो गया है हमारा अच्छे से गर्म। चलिए अब इन्हें डीप फ्राई करते हैं। इन सभी रोल को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि रोल हमारे अच्छे से सिक जाए। ब्रेड रोल हो गए हमारे रेडी। ये देखिए लग रहे हैं ना देखने में एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी। ये देखिए मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।